लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं संस्थान या मेरे प्रति, नहीं आपके प्रति, और यहाँ आते हैं आपको ये बताने के लिए कि चयन का सही रास्ता क्या है। और साथ में सिलेक्शन होने के बाद थोड़ा सा जब जॉब लगा तो फिर जॉब के साथ थोड़ा सा टिपिकल था, तो शुरू शुरू में दिक्कत गया तो नहीं निकल पाया था, लेकिन फाइनली 2018 में जब हमने दिया था तो जॉब के साथ और ग्रुप डिस्कशन का कोई अल्टरनेट नहीं है, आप लोग फूफा जी बने रहोगे तो अकेले बड़ी मुश्किल से सिलेक्ट हो। तो मेरे को था कि IMF के बारे में केवल 6 लाइन जानूं, क्या है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसमें उसका महत्व भी पूछता है, तो मैं उसी से रिलेट करके बनाऊं और उसमें करंट में क्या। आओ भाई, तो नाम पढ़ रहे हो तुम लोग, अभिषेक और धीरज, ठीक है। अच्छा बैठो, आ जाओ बैठो। जैसा कि तुम लोग देख रहे हो, एक बात मैंने बहुत बार बार कही है इन लोगों से कि ये जरूर लिखना, क्या क्लासरूम, क्योंकि आजकल मामला ऐसा हो गया है कि हर आदमी हर जगह से सिलेक्टेड है, क्योंकि वहाँ इंटरव्यू देने तो जाएगा, सब जगह जाते हैं सब लोग, लेकिन क्रेडिट लेने का या ये कहने का कि भाई ये हमारे बच्चे थे, तभी आता है जब हम इनके साथ 6 महीना साल भर 2 साल रहे हों। मेरे ख्याल से इनके साथ तो 1.5-2 साल का साथ रहा होगा और उसके बाद भी अभी लगातार है। आप में से कोई एक सिलेक्टेड है ना पहले से? दोनों है ना? हाँ वही तो, क्योंकि पिछली बार भी मिले थे अपन, ADO बने थे और अब दोनों साथ में। अच्छा अलग अलग आ गया है ADT और इसमें, ठीक है। तो अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, एक तो ये है कि इन लोग इतने योग्य हैं कि इतने सारे सिलेक्ट हो रहे हैं, है ना, तो इस कारण से। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ी इन लोगों की योग्यता ये है कि इतने बड़े पदों पर चयनित होने के बाद ये याद रखते हैं, सर को जाना नहीं पड़ता है बोलने कि, या वो भेजने, आजकल क्या चलता है मीडिया व्हाट्सएप, ये लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं संस्थान या मेरे प्रति, नहीं आपके प्रति, और यहाँ आते हैं आपको ये बताने के लिए कि चयन का सही रास्ता क्या है। मैं तो अपनी तरफ से बताता हूँ, लेकिन मैंने जो रास्ते पिछले 10 सालों में कई लोगों को बताए, हजारों को, उसमें सही रास्ते पर चले कैसे वो यही बता सकते हैं, बात समझ रहे हैं, और चलने के दौरान कहाँ क्या ठोकरें मिली, कहाँ क्या दिक्कतें आई, दैट कैन बी एक्सप्लेन बाय दीज पीपल ओनली, है ना। और इसलिए हम सब इन पे बहुत गर्व करते हैं हमेशा की तरह, और ये अपेक्षा रखते हैं कि आगे भी, है ना, ये ऐसे इसी ढंग से हमको गाइड करेंगे। तो अब मैं अपना शांत करता हूँ बातचीत, इनको मौका देता हूँ कि ये अपनी जर्नी आपको बताएं, फिर आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लो भाई, हेलो, माय नेम इज अभिषेक कुमार जायसवाल। मैंने दिल्ली IAS में 2016 में प्रीलिम्स किया था और 2017 में मेंस की कोचिंग की थी। मेंस में हम धीरज सोनी के साथ साथ ही में थे। उसके बाद 2018 में हमारा चयन ADO के पद पे हुआ था, और ADO के पद पे रहते हुए हमने साथ में तैयारी की और अभी भी साथ ही में तैयारी कर रहे थे, और इस बार इंटरव्यू भी गए हम लोग 2019 में, लेकिन फाइनली नहीं हो पाया था, कुछ रैंक से चूक गए थे हम लोग, और इस बार फाइनली सिलेक्शन हो गया। ये जर्नी थी हमारी और जर्नी जारी रहेगी जब तक यहाँ पर DC ना दिख जाए। सो दे आर योर कॉम्पिटिशन ऑल्सो एट द सेम टाइम ना बेटा, दबा लो। हाँ थोड़ा। मेरा नाम धीरज कुमार सोनी है, और सबसे पहले सर का और आप सबका धन्यवाद कि थोड़ा अपना समय देने के लिए। और वही है कि सबसे पहले हमने जहाँ जो 16 में मैंने ज्वाइन किया था सर का क्लासरूम, मेन से PSC मेन से स्टार्ट किया था, और साथ में सिलेक्शन होने के बाद थोड़ा सा जब जॉब लगा तो फिर जॉब के साथ थोड़ा सा टिपिकल था, तो शुरू शुरू में दिक्कत गया तो नहीं निकल पाया था, लेकिन फाइनली 2018 में जब हमने दिया था तो जॉब के साथ तैयारी था, तो इस कारण थोड़े से चूक गए थे, फिर लगातार अपने प्रयास कर ही रहे थे, फिर अंततः इस बार जब हुआ तो अंततः हुआ पूरा। और सबसे मेन चीज़ में ये योगदान रहा सर का कि शुरू से अंत तक, ये लिटरली है, शुरुआत यहीं से किए थे, चाहे वो ADO के पद था चाहे मेंस देने PSC का, पूरा सफ़र सर के साथ ही शुरू हुआ था, और उसमें पूरा चीज़ था सर के जो नोट्स का, सर के गाइडेंस का, सर के बताने का जो एक्सप्लेनेशन का तरीका था, सबसे अच्छा चीज़ ये रहा उसमें कि सर ने जो भी, चाहे वो हिस्ट्री हो,
चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ाए उसको एक हिस्टोरिकल वे में पढ़ाते थे ताकि वो चीज़ हमें अच्छे से याद रहते थे। कई बार ऐसा होता कि जैसे मान लो वही चीज़ बुक में भी अगर मान लो आप पढ़ेंगे तो आपको क्या है अपने से स्टोरी या क्रिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सर जब उसको एक अलग डायमेंशन 3D डायमेंशन बताते थे कि कौन सा एस्पेक्ट है, कैसे शुरुआत हुआ, कैसे मिड हुआ, कैसे एंड हुआ, वो जो हिस्टोरिकल वे था सर का वो सबसे याद करने में बहुत इफेक्टिव रहा। और आज वो नोट्स मैं रखा हूँ अच्छे से बना के, तो आप लोग भी मतलब मेरा सजेशन रहेगा कि सर आप लोग को जो भी बताते हैं आप उसको अच्छे से नोट करें, क्योंकि जो नोट्स आप बनाएंगे वही सबसे मेन होगा यहाँ, क्योंकि 2 साल के बाद क्लास ख़त्म हो जाएगी तो आप तो दोबारा तो कोचिंग पॉसिबल नहीं हो पाता ना, वो कितना समय नहीं हो पाता है। तो जो भी सर आपको बता रहे हैं आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, नहीं होता तो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, रिकॉर्डिंग बाद में सुन के मैं करता था, कई बार होता था कि शुरू से जब मैं आया था तो थोड़ा सा लिखने में स्पीड इतना अच्छा नहीं था तो रिकॉर्डिंग करके मैं वापस लिख के आता था, तो फिर जब शुरू फिर स्पीड ठीक हो गया तो सर के साथ लिखता था। तो यही है कि सबसे बड़ी संपत्ति आपकी ये होगी कोचिंग के बाद कि आपने नोट्स कितने अच्छे प्रिपेयर किए हैं, वही नोट्स आपके आगे के कितना जल्दी आप सेलेक्ट होंगे वो डिपेंड करेगा। तो यही रहेगा मेरा सजेशन कि आप अच्छे से इसमें नोट्स बना ले करके। और कुछ अगर आप लोग को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप कुछ पूछना। और ना मैं इन लोगों के लिए जो 20 के पहले के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं इन लोगों का एफर्ट ज़्यादा मानता हूँ, मैं ये क्लास में बोलता हूँ, क्योंकि ये लोग जब पढ़ते थे ना तो इनको सुविधाओं के नाम पर 0 मिलता था, इन्हें सिर्फ सौरभ सर और उनके नोट्स मिलते थे। इसके अलावा मैं उस समय छत्तीसगढ़ भी बताता था इन लोगों को, तो छत्तीसगढ़ भी मैं अप्रोच बताता था कि छत्तीसगढ़ के आंसर लिखेंगे, किताब में नॉलेज दिया हुआ है, तो हम कम समय में कोर्स पूरा करते थे। अब मैं सिर्फ 4 लाइन में बताऊंगा कि आपको एड ऑन क्या मिलता है। सबसे पहले तो आपको ये क्लासरूम मिलता है, जबकि ये लोग जिस जगह पढ़ते थे ना वो स्लम से कम नहीं था। दूसरा, इन लोगों को हम नोट्स के नाम पर कुछ नहीं देते थे, कभी दिया हो तो कुछ प्रिंट आउट देते थे, आपको थॉरोली हमारे और सर के द्वारा बनाई गई किताबें दी गई हैं ताकि आप क्लास में कुछ छोड़ दो तो लगभग जिस पैटर्न में हम पढ़ाते हैं वो बुक्स हैं इनके पास अब सारी, यदि आप बाज़ार में देखेंगे युवाचार की। तीसरा, इनका टेस्ट कभी भी रेगुलर और फ्रीक्वेंट नहीं रहा, वो गिल्ट मेरे अंदर आज तक है, क्योंकि उस समय मैं 1 मैन आर्मी होता था, बहुत सारा सिस्टम नहीं होता था, तो इनके टेस्ट आज कितना इम्पोर्टेंट है, टेस्ट चीज़ आपकी टेस्ट सीरीज़ होती है, रेगुलर टेस्ट होते हैं, इनको वो सुविधा मैं नहीं दे पाया जिसको हम टेस्ट बोलते हैं। चौथा, आपको हाइब्रिड का भी ऑप्शन है, इस क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है आपका छूट गया, यदि आप हाइब्रिड वाला लेते हैं तो ये सारी क्लास इनको रिकॉर्डेड मिल सकती है जो तुमने कहा, यदि इनको ये सारी चीज़ें मिल गई होती तो उसी साल टॉप कर लेते ये लोग। तो आप ये समझो कि आप इनसे 5 गुना ज़्यादा फैसिलिटीज़ को पा रहे हो DIA में, संख्या बड़ी है, सब बड़ा है, लेकिन इन्होंने उन परिस्थितियों में सिलेक्शन लिया है पढ़कर हमसे, जिन परिस्थितियों में हमने इनको ज़्यादा कुछ नहीं दिया, इन्होंने हमको बहुत कुछ दिया, इनकी योग्यता ज़्यादा थी। और ये जो जो थोड़ा मेरा पढ़ाया हुआ लिखाया हुआ है उसको बेस बनाकर ये यहाँ तक आए, क्योंकि उस समय मैं जो 100% हो सकता था अब रियलाइज़ होता है कि इस लेवल पर समय के साथ ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर होती हैं। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ जो पुराने स्टूडेंट हैं कि बेटा तुम लोगों का बहुत योगदान है, तुम लोगों ने जो मेहनत की वो अभूतपूर्व है, उस समय बहुत रिसोर्सलेस स्थिति में इन लोगों ने पढ़ा है ना। अब आप कुछ पूछना चाहो तो पूछो, आप कुछ बताना चाहोगे? और धीरज सोनी जो कहा सेम ही है, मेरा भी वैसे ही था कि जो नोट्स थे प्रिपेयर कर लिए थे हमने, और सर की जब मार्केट में बुक्स आई तो पेपर 5 का पार्ट 3 हो गया, ज्योग्राफी हो गया, अपडेटेड नोट्स मिल गया और हम लोग अपने आप को अपडेट करते रहे, तो पुराने नोट्स भी थे और नए नोट्स जो मार्केट में आए तो वो भी हमने ले लिए। तो इससे साथ में ये है कि कॉम्प्रिहेंशन करके जो डिमांड थी उसके हिसाब से अपन पढ़ते गए, और ग्रुप डिस्कशन था हमारे बीच, हम दोनों ही करते थे साथ में, जब जॉब भी कर रहे थे तो जॉब के बाद उसकी पोस्टिंग अलग जगह थी, मेरी पोस्टिंग अलग जगह थी, तो टच में थे हम, और कहीं ना कहीं मैं इस जॉब से बाहर निकला तो उसमें उसका योगदान है धीरज का, और वो भी बोलता है कि मैं निकला तो उसमें तेरा योगदान है करके। तो हम लोग साथ ये अच्छा रहा कि हम लोग एक नौकरी में नहीं रहे और उससे बाहर आ गए, और दिल्ली आई से था कि हम लोग तो प्री मेंस इंटरव्यू 3 चरण में यहीं से जुड़े थे, और सौरभ सर से इंटरव्यू में भी मिला, अभी जूम के माध्यम से जुड़े थे लेकिन सौरभ सर ने हमारे सारे आंसर दिए, जो इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प हुआ हमारे लिए, और क्लासरूम में तो सर का गाइडेंस हमारे साथ 3 साल तक था, यहाँ क्लास लंबी चलती तो 3 साल तक हम जुड़े हुए थे, और बेनिफिट तो दिख रहा है आपको, बेनिफिट कितना हो रहा है हम लोग करके, बेनिफिट हुआ है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, और लास्ट मीटर तो नोट्स ही है और ग्रुप डिस्कशन है, ये मैं बोलना चाहूँगा।
और सबसे मेन चीज़ आप ये रहेगा, प्लस मैं यही बोलूँगा कि एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था ना, तो ऐसा कोई टैलेंट वाली बात थी कि मुझमें कुछ अलग है आप में अलग हैं, बस ये है कि जहाँ हम हैं जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है उसको आप सबसे अच्छे से कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सबसे मेन चीज़ है। ना तो मैं होशियार हूँ मैं सेलेक्ट होने के बाद, ना तो अगर आप वहाँ कोई है वो सेलेक्ट नहीं हुआ तो वो गधा, ऐसा कुछ नहीं होता है, चाहे मैं हूँ चाहे वो, दोनों सेम लेवल पे हैं। बस ये कि हम कि जो भी चीज़ हमको अवेलेबल करवाई जा रही है उसको हम कितने ऑनेस्टली कर रहे हैं, और दूसरा बात आप जब क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उसको चाहे सर जो पढ़ाएं या सर सौरभ सर पढ़ाएं या जो भी सर पढ़ाएं, तो अगर आपको वो समझ में आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं समझ में आता वो उसको आफ्टर क्लास डाउट क्लियर कर ही लें, क्योंकि दो साल के बाद ना तो आपके पास वक्त रहेगा ना तो सर भी इतना आपको पर्सनली समय नहीं दे पाएंगे और वो पॉसिबल भी नहीं है, तो दो साल मोर देन सफिशियंट है। तो आप जो भी पढ़ा रहे हैं आपको जो भी अवेलेबल करवाया जा रहा है, मैं ये बोलूँगा कि सबसे अच्छा चीज़ है कि जितना क्लियर करके जा सकते हैं चले जाइए। दूसरा बात उसको बार बार आप रिपीट कीजिए, और दूसरा सबसे अच्छी चीज़ आप एक हेल्दी पूरा ग्रुप बनाए, जैसे अभिषेक और मैं थे। अच्छी बात ये थी कि वो मैं भी कुछ, क्योंकि देखो हर एक इंसान अपनी जगह टैलेंटेड नहीं हो सकता, कुछ मेरे में अच्छे कुछ अच्छे मुस्की हैं, तो अगर दोनों एक दूसरे शेयर करेंगे तो ऐसा होता था कि कुछ मेरे में अच्छे तो वो उसको एक्सेप्ट करता था, वो कुछ सिखाता था मैं समझता था, तो वैसे अगर एक ऐसे पर्सन जो बिल्कुल आपकी स्पीड में पढ़ रहे हैं, आपकी जैसे सोच रहे हैं, आपकी जैसे डेडिकेशन ऑनेस्ट है उस चीज़ को लेके जो आप करना चाह रहे हैं, तो वैसे लोग को दो तीन चार जो भी है ग्रुप बना लीजिए और डिस्कस बिल्कुल कीजिए, क्योंकि इससे क्या है ना आप अपने नोट्स को अपने थॉट्स को प्योरीफाई कर पाएंगे कि कितना अच्छा हम कर सकते हैं। क्योंकि और दूसरा मान लीजिए जिसे हम लोग भी हैं पढ़ने से पहले क्या है जो टॉपर होते थे उनको कॉपी मिल जाता था, आप हमेशा सुधार की चीज़ को हमेशा ना सुधारने पर ध्यान दिया करें कि आपसे जो बेहतर हैं बिल्कुल उसे पूछने में कोई झिझक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करें कि आप में वो कमी है और सामने वाला आपसे बेहतर है, तो अब इसलिए उस एक्सेप्ट को उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और ढूंढना चाहिए हमेशा कि कौन आपसे बेहतर है और क्या उसे सीख सकते हैं, यही की पॉइंट है जो आपको सक्सेस दिला देगा। और चाहे हम लोग चाहे जिस भी पद में सेलेक्ट हुए हैं, और हम भी चाहते हैं कि जिसे हम लोग सेलेक्ट हो गए हैं तो भी हम चाहते हैं कुछ ना कुछ अभी कमी रही है उसमें, जिसके कारण वो जो सबसे टॉप मोस्ट पद है फर्स्ट पद है नहीं मिल पाया, तो हम भी चाहते हैं कि जो भी कमी रह गई है उसको फिर से ध्यान दें, और जो हमसे अभी बेहतर किए हैं हम भी वो अभी वेट कर रहे हैं कि बस उनसे मिलने का मौका मिल जाए तो हमें उससे पूछ लें और सुधार करें। वो जो सुधार की प्रक्रिया हमेशा चलती है, और आप पूछने से कभी ना झिझके, हर जन जो भी आपको मिले बिल्कुल उससे टाइम लेके है ना उससे टाइम लेके बिल्कुल पूछें, और प्रॉपर गाइडेंस जो सही चीज़ है अगर निकल, सबसे मेन चीज़ है प्रॉपर गाइडेंस और आपका सही नोट्स, दो चीज़ है जो आपको डेफिनेटली, हम लोग को थोड़ा सा टाइम लग गया अलग बात है, लेकिन मैं नहीं बोलता कि उतना समय नहीं लगता, किसी को एक बार में भी लग सकता है, तो वही है कि प्रॉपर गाइडेंस कौन आपको दे सकता है, जो क्लास में आपको अवेलेबल है उसको ऑनेस्टली कर लें, और बिल्कुल एक हेल्दी पीयर ग्रुप बना के डिस्कस करें, ये चीज़ हम लोग ने किया और वही चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग को। देखो हर साल हमको कुछ नया सीखने मिलता है, किसी साल टेस्ट सीरीज़ पर फोकस होता है, लेकिन मैं कई सालों से कह रहा हूँ ग्रुप स्टडी और ग्रुप डिस्कशन का कोई अल्टरनेट नहीं है। आप लोग फूफा जी बने रहोगे तो अकेले बड़ी मुश्किल से सिलेक्ट होगे। आगे बढ़ो, ग्रुप बनाओ, अच्छे लोगों से जुड़ो, एक दूसरे से सीखो, एक दूसरे से कॉपी चेक करवाओ, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। दुनिया में कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूशन हो, कितने भी रिसोर्सेज हो, वो इतने सारे बच्चों को पर्सनली नहीं देख सकता। आप लेकिन एक दूसरे के साथ पर्सनली जुड़ सकते हो। दूसरी बात, जैसा इन दोनों ने कहा, आप दो से ढाई साल हमारे साथ होते हो, पर्सनल देखने की क्या बात है। यदि इस क्लास में मैं माइक दे दूं तो क्लास ही आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि कोई कुछ पूछेगा कोई कुछ पूछेगा। तो क्लासरूम में आप कहीं भी बैठो, आपके पास चिट्ठी है और वो चिट्ठी डायरेक्ट एक्सेस टू सौरभ सर है। इसका मतलब सौरभ सर, जैसे इन्होंने कहा, दो साल तक तो आपके साथ हैं ही, क्योंकि आप सौरभ सर से जो पूछना चाहो पूछ सकते हो। अब वो सौरभ सर पर है कि उलझल उल पूछा आपने तो डांट दिया, तो भी आपको सबके सामने तो नहीं डांटा, चिट्ठी में थोड़ी पता किसने क्या लिखा। यानी आपके पास सौरभ सर दो से ढाई साल अवेलेबल तो हैं हर सवाल के लिए। अब आप उनको सही से यूज़ कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये आपकी बात है। तो टीचर सौरभ सर मतलब हर टीचर आपके पास अवेलेबल है, आपको उसको एक्सेस या उसको यूज़ करते बनना चाहिए, और आपको अपने नॉलेज को पॉलिश रिफॉर्म करके फिल्टर करते बनना चाहिए, जैसा इन लोगों ने किया। समझ पा रहे हैं? ठीक, कुछ और सवाल हैं आपके? मतलब इसके पहले कल हमारे पास दो लोग आए थे तो उन्होंने कुछ पूछा है, लेकिन ये जो शुरू में लोग आते हैं ना, मैं बड़ा खुश रहता हूँ उनसे कि हमें बुलाना नहीं पड़ा, एक तो आप लोग आए, ठीक है। और अभी कहाँ पोस्टिंग है आप लोगों की? अच्छा, तुम कोटा में हो, तो अब तो फिर नया आएगा,
एनओसी के बाद इंटरव्यू में क्या अंक है दोनों के बताइए? मेरे इंटरव्यू में 100 नंबर आए हैं। दैट्स गुड। 71 अब आप देखो पिछली बार हो सकता पिछली बार के नंबर बताओ। 91 था मेरा। 80 मार्क्स था मेरा। मैं आपको उदाहरण दे दिया, मैंने कुछ कहा क्या? इनको पिछली बार 80 थे, इस बार 100 हो गए। इनके 100 थे, 70 हो गए। क्या एक साल में इनकी पर्सनालिटी 30% गिर गई, इनकी 20% उठ गई? नहीं। इंटरव्यू और ऐसे सब्जेक्टिव मामला है। उस दिन जो उनके मन को भाया विद्यार्थी ने वही पाया। सही गलत इंटरव्यू की बात है, जहां तक हजारों क्वेश्चन है। अब इनकी किस्मत थी कि ऐसे दो लोग और दो क्वेश्चन आ गए जो ढंग के नहीं थे। इनकी किस्मत थी ऐसे दो लोग दो क्वेश्चन आ गए जो ढंग के थे। इन चीजों पर हम ज्यादा हाथ पैर नहीं मार सकते, इसलिए इन चीजों पर अपना बेस्ट दीजिए और बाकी किस्मत पर छोड़ दीजिए। बाकी जो जगह है वहां पर आप कुछ कर सकते हैं। आप दोनों के साथ मैं पेपर 7 और फिलॉसफी के लिए नहीं जुड़ा रहूंगा। जब आप लोग पढ़े थे, पढ़ाया था? नहीं था। तो आप लोगों ने कैसे प्रिपेयर किया? मैं तो अपनी तरफ से जो बेस्ट करवा सकता हूं इस बार करवाया ही है। आप क्या अप्रोच होनी चाहिए पेपर 7 और उसके पेपर 3 में कम नंबर आ रहे हैं आजकल, तो 3 में आप दोनों में से किसको अच्छा नंबर इस बार आया? 95-80। चलो एक पेपर 7 की अप्रोच बता दो, एक 3 की, या दोनों साथ में बता दो इन लोगों को। 3 में कम आ रहे हैं तो क्या करें और 7 में ज़्यादा लाने के लिए क्या करें? पेपर 7 MPPSC में कुछ पोर्शन था सर उसका, हाँ। तो MPPSC में कुछ वीडियोस डले हुए थे YouTube पे, तो मैंने वो वीडियो देख के नोट्स बना लिए थे। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए थी, मैं 2-2 मिनट की क्लिप डली हुई थी IMF डेवलपमेंट। तो मेरे को था कि IMF के बारे में केवल 6 लाइन जानूं, क्या है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसमें उसका महत्व भी पूछता है, तो मैं उसी से रिलेट करके बनाऊं। उसमें करंट में क्या चल रहा है, मैं बस वो। तो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 थे, तो मुझे याद है कि पार्ट 1 में कानून है, 13-14 कानून है। तो मैंने एक सीट ली थी और सीट में 14 कानून लिख के उसके कुछ कुछ आर्टिकल्स पूछता नहीं है कॉमनली, जो पूछता है उसमें से लैंड रेवेन्यू से वो अब कर नहीं सकते हम सिलेबस में भी नहीं। तो 14 जो थे मैंने चार्ट में प्रिपेयर कर लिया था और कुछ कुछ धाराएँ लिख ली थी उसमें। और उसमें जो जैसे लोक अभियोजन के कार्य क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, ये कॉमन क्वेश्चन उठ रहे थे और MPPSC में भी उठे थे, तो उसी पैटर्न पे अपने तैयार कर लिए थे। और 2-3 साल का जब पेपर मिल गया तो पता चल गया कि यही क्वेश्चन आ रहा है और वो हैंडल हो जाता है ऑन द मोमेंट पे। और आर्टिकल पूछता था तो बनता ही नहीं था किसी से, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन था ही नहीं। और रही बात सर की, तो सर की क्लास मेरे को मिल गई थी ऑनलाइन, कोविड में सर ने ऑनलाइन क्लास ली थी पेपर 7 की। तो मेरा भाई कोर्स कर रहा था यहाँ, तो मेरे को वीडियोज़ मिल गई थी, मैं उससे प्रिपेयर कर लिया पेपर 7। और पार्ट 2 था जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो दृष्टि से प्रिपेयर कर लिया था मैंने। और सर की नोट्स भी आ गए थे मार्केट में फिर उस टाइम। और पार्ट 3 के लिए जो एजुकेशन था उसमें भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 10 से 15 हैं, तो उसको मैंने सीट बना ली थी। मतलब 3 पेपर मेरे, 2 सीट और 3 पेजेस में कंप्लीट हो गए थे, तो उसके रिवीजन करना भी बहुत इजी हुआ। और पेपर 7 में मेरे 2019 में मार्क्स थे 107 नंबर थे और इस बार भी 107 नंबर थे दोनों बार। और अभी आप लोग फॉर्चुनेट हो, मैंने 6 महीने के अंदर 2 नई किताबें ला दी हैं, एक पेपर 2 पर है और एक पेपर 3 पर है। 3 में नया ये है कि नई शिक्षा नीति को आधार बनाकर वो किताब लिखी है मैंने, अब उसमें नया करिकुलम आ जाए तो बात अलग है। और 2 में पिछली बार इनको जो मिला था उसके बाद एक बैच और लिया मैंने, मैंने IR पढ़ाया, इंटरनेशनल रिलेशन, भारत की विदेश नीति, पंचशील, गुटनिरपेक्षता और भारत के इससे संबंध उससे संबंध, उस ढंग से प्रश्न आ रहे हैं, तो उसको हमने उस आधार पर नई किताब बनाई है। इसमें स्पोर्ट्स वाला हिस्सा अभी भी बहुत उतना प्रभावी नहीं है, लेकिन नई बुक्स के साथ यदि आप और इनकी अप्रोच जो बताई है इनको मिलाओगे तो पेपर 7 का डर आपका दूर हो जाएगा, है ना। 3 में रेगुलरली कम नंबर दे रहे हैं वो, मुझे कारण नहीं पता है, मैं 2-3 सालों से देख रहा हूँ और हम तो यही सोचते हैं कि उसको बहुत अच्छा बताते हैं। आप बताइए कुछ अलग किया जाए तो। देखिए मेरे भी उसमें 86 मार्क है, लेकिन वही है, मैं उसमें क्या है, पेपर आप देखेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल ही था, लेकिन फिर भी मैं एक अप्रोच जो हम लोग को लगा जो अपनाए थे पेपर 7 पेपर 3 दोनों के लिए बता देता हूँ। तो पेपर 3 के लिए जो सर का नोट्स है, मैं आपको बताया था हिस्ट्री क्या है, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन सर के नोट्स का सबसे अच्छा फ़ायदा ये था हिस्टोरिकल वे में था। मैं आज भी उस नोट्स को एज इट इज़ रखा हूँ, ना तो वो कभी चेंज हुआ, मैं उसको इतने बार पढ़ चुका हूँ। सर ने आंसर को थोड़े से लंबे बताए हैं, लेकिन मैं उसी आंसर को ही पढ़ के जाता हूँ, क्योंकि अगर चीज़ आपको हिस्टोरिकल वे में पता है ना तो आप लिख लेंगे डेफिनेटली, पर अगर वो सिर्फ 4 लाइन में एकदम कंसाइज है तो आपको याद रखना बहुत दिक्कत जाएगा।
तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सर हिस्ट्री जो भी बताए होंगे ना हिस्टोरिकल वे में आप उसको बार बार पढ़ें, ये सबसे अच्छा है। दूसरा उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग प्री में भी पढ़ते हैं, अब वो लक्ष्मीकांत पढ़े या जो भी पढ़ते हो आप, तो वो प्री में आप इतना अच्छा पढ़ ही लो क्योंकि वो मेंस में लगभग नहीं पढ़ना पड़ता है। वैसे भी वो 25 मार्क्स का होता है तो उसमें इतना मेहनत करना नहीं अच्छा था क्योंकि प्री में आप इतना कुछ जानते हो कि मेंस में डेफिनेटली लिख लोगे। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि ये सेक्शन कुछ ही पॉइंट जहाँ प्रेसिडेंट वाला या जो भी वाला दे सकते हो, बाकी प्री के साथ पूरा तैयारी हो जाता है। लोक प्रशासन भी वैसी है कि अगर आप उसको कितना ही पढ़ लो उसका कई बार अगर देना होगा तो ईजी दे देगा, कई बार अगर हार्ड देगा तो वैसे भी नहीं बनने वाला है। तो जितना कम से कम टाइम में जितना बेहतर कर सकते हो उसको कर सकते हैं। और फिर तो सीजी वाला सेक्शन है वो तो सब पढ़ते ही हैं। पेपर 7 के लिए मैंने ये किया था, उसमें जो पार्ट 3 वाला सेक्शन था एजुकेशन वाला, तो मैं ये करता था एक कॉपी लिया था मैं उसको ना, पेपर 7 होते तो 7 पेपर के हिसाब से डिवाइड किया था मैं। तो हर दिन पेपर में क्या जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं UGC IIT IIM जो भी होता था, तो आप डेली जब पेपर पढ़ेंगे ना बहुत मुश्किल हो सकता है हफ्ते में 2 से 4 ही चीज़ ऐसा आएगा जो एकदम इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी UGC ने क्या किया था कि आप एट अ टाइम एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं यहाँ से वहाँ से करके, पहले वो चीज़ नहीं था। और पेपर 7 का नेचर ये है कि वो आपको करेंट में जो चीज़ बदलाव है ना, वो जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी UGC में क्या, जैसे UGC ने दिव्यांगों के एग्ज़ाम के लिए क्या किया है, नेट एग्ज़ाम कैसे, फिर अभी NET बना नेट ना, पहले UGC एग्ज़ाम कंडक्ट करता था अब नेट कर रहे हैं, तो वो जो चीज़ें बदलाव होता है ना पेपर जब आप पढ़ेंगे ना डेली न्यूज़पेपर आपको एक छोटा सा लाइन मिल जाएगा, चाहे IIT के लिए हो IIM के लिए जो भी, तो आप अगर सिलेबस का टॉपिक पता है आपको कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और वही चीज़ न्यूज़पेपर में आ रहा था, मैं उसको डेली लिख के रखता था। ये चीज़ इतना हेल्पफुल हुआ कि मैं दोबारा मतलब मैं पेपर अपने बुक से नहीं पढ़ा था, मैं केवल अपना जो नोट्स बनाया था उतना ही काफ़ी था। और अगर आप देखेंगे ना तो पेपर 7 के पार्ट 3 का और पार्ट 2 का दोनों का नेचर है कि केवल करेंट अफेयर ज़्यादा मायने रखता है। और उसमें पार्ट 2 में क्या है, इतने सारे इंटरनेशनल वो होते हैं इंस्टीट्यूशन, सबको पढ़ पाना पॉसिबल है ही नहीं। तो मैंने उसके लिए ये किया था कि जैसे अभी बीच में लास्ट ईयर इंटरपोल का वो इंटरपोल महासभा का सम्मेलन हुआ था, तो जो इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हाईलाइट रहता था तो अभी PSC लगभग उसी को ही ज़्यादा टारगेट करता है। तो आप साल भर जैसे पेपर पढ़ते हैं ना आपको 1-2 ही चीज़ ऐसा मिलेगा, और जब आप देखेंगे पूरा साल भर में जब आप नोट्स बनाएंगे ना कि कौन सा इंस्टीट्यूशन ज़्यादा हाईलाइट था, बम उस लगभग 2 से 2.5 पेज ही बस भर पाता है। तो आप उस 2 से 2.5 पेज को भी पढ़ लेंगे ना तो भी आप उसमें अच्छे से पार पा लेंगे। ये उसका तरीका मैंने अपनाया था। और बाकी पार्ट 1 का वो लॉ वाला सेक्शन है, आप उसको कितना ही पढ़ लो वो बने तो बने नहीं बने नहीं बने। और फिर तो योजना वाला सेक्शन तो हम लोग प्री में पढ़ते हैं तो उसमें कितना कोई टिपिकल तो है नहीं वो मेरे हिसाब से। तो मैंने पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए ये किया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो देखो, इन्होंने अपनी अप्रोच बहुत सिंपल बता दी है। पूरा पेपर 7 डायनेमिक है। पेपर पढ़ते हुए किसी कानून पर कुछ नया आया है, लोक सेवा गारंटी पर आया, RTI पर आया, SC ST प्रोटेक्शन बिल पर अभी चेंज आया है, एट्रोसिटी एक्ट पर अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण पर आया ना अभी थोड़े दिन पहले। तो जिस पर भी जो आ रहा है नोट करते जाओ, ऐसे जिन संगठनों के सम्मेलन हो रहे हैं उनको नोट करते जाओ, और नई शिक्षा नीति में जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, करिकुलम फ्रेमवर्क आ रहा है जो इन्होंने UGC बताया, उनको नोट करते जाओ। ज़्यादातर प्रश्न 80% वहीं से आएंगे और 20% जो कहीं से आएंगे वो किसी से नहीं बनेंगे। तो 20% के लिए ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। आपके क्लास नोट्स, आपकी बुक्स और करंट से अपडेटेड चीज़ें, इससे पेपर 7 हो सकता है। ठीक, हाँ बताइए। पेपर 7 में लास्ट ईयर भी मैंने 170 नंबर का ही अटेम्प्ट किया था, 30 मार्क्स के एक्स्ट्रा आए थे तो मैंने छोड़ दिया था। इस बार भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा आ गया था आउट ऑफ सिलेबस, जैसे गृह भाड़ा भत्ता अधिनियम आ गया था, हमको जानकारी नहीं थी उसकी। तो मैंने किया कि जो मैं जानता था 160 मार्क्स के मैं जान रहा था, उससे रिलेटेड मेरे को पता था, तो मैंने वो आंसर पहले लिखा और उसको लास्ट में लिखूँगा सोचा था। और मेरा फाइनली ये हुआ कि 40 मार्क्स मेरे पूरे छूट गए। जब मैं पेपर दे के निकला तो डिस्कशन हुआ धीरज से और बाकी लोगों से, तो सब ने लिख के आया था कि हमने ऐसा लिखा करके। तो मेरे को लगता था कि इस बार पेपर से उनमें मेरा पिछले बार भी बहुत कम नंबर गए थे पेपर 7 में, और मेरे 107 मार्क्स थे पिछले बार, तो मेरे को लगा कि इस बार 100 से कम हो जाएंगे और 70-80 ऐसा आएगा करके, अगर मैं 50% में भी काउंट करूं तो। लेकिन हुआ ये कि मेरे को फिर से वो 107 मिले, तो मेरे को ऐसा लगा कि जो मैं लिखता तो शायद मेरे को उसमें नंबर नहीं मिलता, और जो मैं लिखा था कंटेंट उसी से मेरे को नंबर मिला। तो पेपर 7 डायनेमिक तो है, और जो डायनेमिक आ रहा है वो उसमें दिक्कत की बात नहीं है। क्या है कि अगर मेरे से नहीं आ रहा है तो बाकी इतना बड़ा पोर्शन हो जाता है कि बाकी दूसरा भी कोई कवर नहीं कर सकता। तो हमको जो कवर कर सकते हैं, जो करंट में है और जो सिलेबस में है, उसको करने फोकस करना है। और धीरज ने बताया है कि करंट न्यूज़पेपर्स जो बनाते थे करके, तो धीरज के नोट्स मेरे को मिल गए थे पेपर से 3-4 दिन पहले, तो मैंने वही पढ़ लिए थे तो मुझसे भी बन गए थे।
हाँ इंटरपोल वगैरह सब उसी ने मुझे समझाया था। वही शेयर करने वाले बात ना, क्योंकि मैं हर चीज़ मैं भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता, कुछ वो मैं एक बताया कुछ मैं उसको बताया। तो जब आप एक्सचेंज ऑफ नॉलेज करेंगे ना तभी आप बेहतर बन पाएंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि मेरा नोट्स है मैं क्यों शेयर करूँ, वो सोचेगा मैं क्यों, तो ना तो वो बेहतर होगा ना तो मैं बेहतर हो पाऊँगा। तो शेयर करें, एक दूसरे से डिस्कस करें, और जो आपके जैसे हैं ना उनके साथ रहें। ऐसा ना हो कि तीन लोग हो चौथा आदमी थोड़ा सा अलग है तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो जैसे आप हो, जितना डेडिकेशन आप में है, जितना पेस से आप पढ़ रहे हो वही पढ़ रहे तो ही ठीक है। ऐसे लोग को ना रखें जो थोड़े से अलग है, तो नहीं तो दिक्कत होगा उसको भी और आपको भी। तो यही है कि एक्सचेंज जरूर करें तभी आप बेहतर बन पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, और वो ये है कि बड़ा बनने के लिए बड़ी सोच और बड़ा दिल रखना पड़ता है। छोटी सोच और छोटी दिल के साथ आप बड़ा नहीं बन सकते, इसको ध्यान रखिएगा। और ज्ञान और प्यार, यही दो चीज़ें हैं जो बांटने से बढ़ती हैं, इसको रोकना नहीं चाहिए। प्यार अभी नहीं बांटना है, अभी सिर्फ ज्ञान बांटना है। सिलेक्शन हो जाएगा फिर लोग आप पर प्यार बांटेंगे, समझ रहे हैं? जितना चाहेंगे उतना प्यार बटेगा, पहले सिलेक्शन ले लो उसके बाद। लेकिन ये जो ये लोग कह रहे हैं ना, शेयरिंग इज़ केयरिंग। अब मान लो इसको लगे यार मेरा नोट्स इसको दे दिया था और इसका नंबर ज़्यादा आ गया, मेरा नंबर कम आ गया, अगली बार से नहीं दूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। उसने जो कहा ना कि कुछ उसने दिया कुछ मैंने दिया, तो ये तो शेयरिंग इज़ केयरिंग वाली बात है, तो ये रखना चाहिए। लेकिन उनके साथ जो लाइक माइंडेड हो, जैसा उन्होंने कहा जिनके साथ नहीं जमता तो मत रहो, पर दो चार लोगों से तो जम ही सकता है इतने सारे लोगों में, है ना? तो ठीक है फिर, चलो मैं इनको छोड़ कर आता हूँ, है ना? ये इतने अधिकारी होते हैं कि मैं क्लास छोड़ के जाऊँगा इनके साथ। ठीक है, फिर हम शुरू करेंगे, आओ।